नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश जल प्रहार। जिंदगी बेबस है, जिंदगी लाचार है। जल ने लोगों पर ऐसा प्रहार किया है कि जिंदगी तिनके की तरह बही जा रही है। जी हां, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुदरत ने कोहराम मचा दिया है। आधा असम जैसे टापू बन गया। सिक्किम में कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। भूस्खलन और बाढ़ से करीब 21 लोगों की मौत हो चुकी है। आज हम आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक एक तस्वीर सामने रखेंगे। हम आपको बता दें कि इन तमाम जगहों पर सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया है। लोग जिंदगी को बचाने की जुगत में लगे हैं। तबाही तबाही तबाही, बर्बादी बर्बादी बर्बादी। सैलाब से मचा है हाहाकार। जल ने किया है जिंदगी पर प्रहार। असम के 15 जिलों, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी जल प्रहार कर रही है। असम के पूरे 15 जिले पानी में समा चुके हैं। 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आज असम में तबाही की एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। सिक्किम के हालात को देखकर आंखें छलक आती है। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने सिक्किम को ऐसा बर्बाद किया है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो करें तो क्या करें। अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर है। कुदरत अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाएगी किसी ने सोचा भी ना होगा। इस वक्त पूर्वोत्तर की जो हालत है उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जल प्रलय का ऐसा मंजर देखकर रूह कांप उठती है। आज हम आपको हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर राज्यों की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कुदरत के प्रकोप ने यहाँ के हालात को कैसे बद से बदतर कर दिया है। तो देखिए जल प्रहार, जिंदगी की इस तस्वीर को देखिए और महसूस कीजिए कि इस वक्त इन बेचारों पर क्या बीत रही होगी। सिक्किम और असम में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ हाहाकार मचा रही है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जल प्रलय आ गया है। धरती का कहीं नामो निशान नजर नहीं आता। तस्वीरें पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं। यहाँ भी बाढ़ ने जो रौद्र रूप दिखाया है, यहाँ के लोग कुदरत के इस कोहराम से कांप रहे हैं। हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर में आज हाहाकार मचा हुआ है। लोग किसी तरह से अपनी जिंदगी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, गांव छोड़ छोड़ कर पलायन कर रहे हैं। जिसको जैसे बन पड़ रहा है वो जिंदगी बचाने का जुगाड़ कर रहा है। आखिर कैसे थमेगा कुदरत का ये प्रकोप, कैसे रुकेगा जिंदगी पर जल का ये प्रहार। आज तक प्योर। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है, लेकिन असम में अब तिनका भी जैसे बाढ़ में बह गया है और खतरा सीधी जिंदगी पर मंडरा रहा है। हम आपको बता दें कि असम के 700 गांवों में भयानक बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। घर बार सब कुछ पानी में डूब गया है। हालात इतने विकट हो गए हैं कि लोग जान बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं। जिसको जैसे बन पड़ रहा है वो जान बचाकर भाग रहा है।
नाम मौत बनकर जिंदगी के पीछे दौड़ा ये तस्वीर सामने आई। जी हाँ, आप देख सकते हैं भयानक बाढ़ से बचने के लिए लोग पेड़ पर चढ़े हुए हैं और सोच रहे हैं इनकी जान कैसे बचेगी। ये तस्वीरें हैं असम के गांव। असम में आई बाढ़ से लोग कितनी मुसीबत में हैं उसकी एक तस्वीर ये भी है। देखिए कैसे रस्सी को पकड़कर लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं असम के कामरूप की। यहाँ जल ने प्रहार किया तो पुल भी डूब गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए बांस बल्लियों का सहारा लेकर जैसे तैसे गांव से निकले। असम के हालात ऐसे हो गए हैं कि धरती का कहीं नामो निशान नहीं बचा है। हम आपको बता दें कि बाढ़ में करीब 700 गांव डूब चुके हैं, 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब लोग जुगाड़ की नावों पर बैठकर पलायन कर रहे हैं। असम जैसे पूरा ही पानी में डूब चुका है। हालात ये है कि जहां भी रत्ती भर जमीन नजर आती है वहीं लोगों का आसरा बन जाती है। मासूम बच्चे भी बाढ़ से त्रस्त हैं। असम के पूरे 15 से ज्यादा जिले पानी में समा चुके हैं। जहां तक नजर दौड़ाओ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। आसमान से बरसी तबाही से गांव, शहर और जंगल सभी जलमग्न हो चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यहां बाढ़ से बेहाल लोगों की मदद के लिए अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। हर कोई बस एक दूसरे की मदद कर रहा है। असम के कई गाँव तो जैसे टापू बन चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिन इलाकों में हालात सबसे ज्यादा बदतर है उनमें तिनसुकिया, धेमाजी, कामरूप, सरिया और माजुली तेजपुर शामिल है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 60 राहत कैंप बनाए गए हैं। इस वक्त नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 16 टीम, सेना की 60 टीमें, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम की 18 टीमें बचाव अभियान में जुटी है। लेकिन लोग राहत कार्यों से खुश नहीं है। तो बहुत बुरा हाल हो गया क्योंकि पानी आज से 3 महीने पहले पानी वहाँ पे आ गया। हाँ, 3 महीने पहले आ गया लेकिन अभी तक तो पानी तो कमा ही नहीं, कभी कभी कम जाएगा। और अभी 40-50 गांव डूब गया है। ये पानी क्या अचानक आया था? पानी अचानक आ गया है, कल आ गया अचानक पानी। डराने वाली बात ये भी है कि आने वाले दिनों में यहाँ कुदरत का प्रकोप थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो हालात आगे और भी बदतर हो सकते हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक असम में अब तक 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी कई लोगों के मरने की खबर है। ऐसे में पूर्वोत्तर के लोग ईश्वर से रहम की भीख मांग रहे हैं। धेमाजी से प्रणव कुमार दास के साथ आज तक ब्यूरो। सिक्किम में तबाही और बर्बादी का ऐसा मंजर है कि लोग कुदरत के प्रकोप से पनाह मांग रहे हैं। भूस्खलन और बाढ़ ने सिक्किम में 21 लोगों की जान ले ली। चट्टाने ऐसी खिसकी कि घर बार सब कुछ तबाह हो गया। ये निशान है कुदरत की उस विनाश लीला के जिसने सिक्किम को दहलाकर रख दिया। भूस्खलन, भारी बारिश और खिसकती चट्टानों ने सिक्किम की सूरत ही बदल दी। जहां कल तक खुशहाल दुनिया आबाद थी वहां इस वक्त कोहराम मचा हुआ है और लोग बेचारगी से इस बर्बादी के मंजर को देख रहे हैं। कुदरत के इस रौद्र रूप ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है सिक्किम के चुंगतांग इलाके में, जहां जमीन खिसकने की वजह से सड़कें टूट गई हैं, जिससे आवाजाही ठप पड़ गई है। जमीन धंसने से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। मंगन शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक और भूस्खलन होने की खबर है। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि NH-31A अवरुद्ध हो गया है, जिससे राज्य का उत्तरी हिस्सा बाकी हिस्सों से कट गया है। सड़कों के टूटने से इस इलाके में कहीं भी आना जाना मुश्किल है। आबादी वाले इलाकों में घर के घर तबाह हो गए हैं। अचानक आई बाढ़ के जंगल में काफी कुछ समा गया। बताया जा रहा है कि उत्तरी सिक्किम के रंगम रेंज में 12 लोगों को बाढ़ अपने साथ बहा ले गई। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की चुनौती सामने खड़ी है। सरकार ने बाढ़ का खतरा देखते हुए लाचेन, लाचुंग,
मगन, चुंगथांग, दिक्चू, सिंगतम और रांगपो इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया है। Today we were busy with the rescue operation in our city location. The complete our city has been washed out in our landslide. हालात ऐसे हैं कि अस्पताल घायलों और लाशों से पटे पड़े हैं। यहां तक कि मदद के लिए पहुंची एम्बुलेंस भी रास्ते में फंसी हुई है। जिधर देखो तबाही का मंजर ही दिखाई दे रहा है। पेड़ उखड़ गए हैं और पहाड़ से गिरती चट्टानों से आशियाने मलबे में तब्दील हो गए हैं। पूरे इलाके में कितनी तबाही हुई है इसका ठीक ठीक अंदाज लगाने में अभी कुछ वक्त लगेगा। एक तो पहाड़ी इलाका, ऊपर से कुदरत का कहर। सड़क के रास्ते हर जगह पहुंचना नामुमकिन है। फिलहाल हेलीकॉप्टर की मदद से राहत पहुंचाने की कोशिश जारी है। आज तक ब्यूरो। बारिश और बाढ़ से उत्तर प्रदेश भी बेहाल है। सरयू और घाघरा नदियों में उफान से गोंडा के कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। आलम अब यह है कि पानी की धार से सड़कें तक बह गई हैं। कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। सड़क से लेकर रेल यातायात तक हर तरफ बाढ़ का असर साफ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया है। जमीन निगल रही है उफनती नदियां, घर बार बहाल गई पानी की तेज धार। लोगों में तड़प दिख रही है सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने की। इंसान हो या जानवर, सभी इन दिनों ठौर की तलाश में है। एक ऐसी जगह जहां ना पानी की तेज धार में बहने का खतरा हो, न पांव तले से धरती के खिसकने का डर। तबाही की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की है। लगातार हो रही बारिश से गोंडा बेहाल है। जिंदगी थम गई है। कामकाज की तो छोड़िए, इस वक्त मकसद एक ही है, किसी तरह कोई सुरक्षित ठिकाना मिल जाए। यहाँ कुछ साहब नहीं मिल रहा है। यहाँ ऐसे पानी में बैठन बटक बुटक है, तो वहाँ चचे दिन बहन बढ़ जाता है। यहाँ हमसे कुछ नहीं पाई थे, लड़का लिया पानी में बैठे नहीं सर। अरे तो उनसे हो सके तो उन दिए साहब से, नहीं हो सके तो हम सबका दिए अपन लड़के बच्चे जी आई। घाघरा और सरयू नदियों के किनारे बसे होने की वजह से गोंडा बेहद उपजाऊ इलाकों में शुमार है, लेकिन इस वक्त यही दोनों नदियां इस इलाके के लिए काल बनी हैं। दोनों ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है। नतीजा यह है कि खेतों को सींचने वाली नदियों के पानी में खेत खलिहान डूबे हैं, फसल चौपट हो चुकी है, पेट पर लाग पड़नी तय है। ऐसे में हसरत भरी निगाहें सरकार की ओर टिकी हैं, लेकिन वहां से भी खास उम्मीद नहीं दिख रही। जब राहत कार्यों से ही लोग संतुष्ट नहीं तो उसके बाद के हालात की कौन सोचे। जाहिर है प्रशासन के राहत इंतजाम इलाके के लोगों के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि अब लोगों की मुश्किल शिकायतें प्रशासन के खिलाफ झल्लाहट में तब्दील होती जा रही हैं। 30,000 लोगों की बस्ती है, जिसमें सब लोग बाढ़ से बहुत पीड़ित हैं। यहाँ पे कोई सरकार कोई साधन नहीं भेज रही, न कोई दवा, न कोई गैजन का चारा, न इंसान का कोई, न कोई नाव का व्यवस्था कर रहा है। कोई साधन नहीं हमारे तक पहुँच रहा, सब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। गोंडा में बाढ़ की ऐसी मार पड़ी कि न जाने कितने ही मकान तबाह हो चुके हैं। गांव के इलाकों में मिट्टी के बने घर तो पानी की तेज धार के आगे अपना वजूद ही खो चुके हैं। हमारे राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। जो भी समस्या आ रही है उनका निराकरण किया जा रहा है। अभी तक गांव से, किसी भी गांव से जनता के पलायन की कोई खबर नहीं है और राहत कार्य विधिवत जारी है और इस तरह की कोई समस्या कहीं से आ नहीं रही। खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर अब भी ऊपर है, लेकिन प्रवृत्ति घटने की। कई इलाकों में तो पक्की सड़कें भी पानी के बहाव को झेल नहीं पाई। पुल पर भी पानी भर जाने से यातायात मुमकिन नहीं रहा। कई जगह पर तो एहतियातन भी प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। यातायात ठप होने से सैकड़ों लोग इस वक्त सड़कों पर ही फंसे हुए हैं। जिन सड़कों पर पानी नहीं पहुंचा वहां लोगों का ठिकाना बना है। कुछ इलाकों में रेल पटरियों के डूबे होने की वजह से रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तो बाढ़ से निजात मिल चुकी है, लेकिन गोंडा में अब भी राह की गुंजाइश नहीं दिख रही। कई गांवों को बाढ़ का उफनता पानी बर्बादी की ओर ढकेल रहा है। टकटकी लगी है आसमान की ओर कि कब मेघ से आफत बरसना बंद हो, ताकि उफनती नदियों का शोर भी कम हो। आज तक ब्यूरो।